सुहानी बनी रहे कि भगवान तुम्हारी वाणी यो ही सुहानी बनी रहे, ग्रंथों की सदियों ही कहानी बनी रहे। और मेरी दीदी और जीजा की जोड़ी सलामत रहे, जब तक की गंगा में पानी बना रहे। आइए आप लोग कह रहे हैं तो एक टुकड़ा सुनाई देती हूँ, चलते चलते सुनिए सुनिए। एक चलता हुआ कटवी से जरा सुन लीजिएगा, फिर बहन जी आएंगे। अरे शरम के मारे लाल पड़ गया अंग मेरा बादामी, हिंदुस्तान ही है। हाँ। जैसा कि बहन जी दीदी बता रही थी यहाँ इतना प्रेम मिलेगा, बिल्कुल ये तो देखने को मिल गया। ये हमारे हिंदुस्तान की पहचान है। हाँ। कि अतिथि देवो भव, यानी अतिथियों को मेहमान भगवान का रूप माना जाता है। हाँ। हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो पानी पिलाते हैं, तो संग में एक बर्फी ले लीजिए, चाय ले लीजिए, नमकीन ले लीजिए, अरे पानी के साथ मिठाई तो लेना ही पड़ेगा। और क्या, एक पीस तो लेना ही पड़ेगा। हाँ, एक पीस प्लीज कल्पना जी मेरी तरफ से ले लीजिए। ये हमारे हिंदुस्तान की पहचान है। और विदेश में भैया जी, और गांव की है बात, विदेश में कहीं जाइए, बड़े बड़े शहरों में जाइए,
चाय पानी बर्फी तो दूर की बात, लोग खड़ा नहीं होने देंगे। जब ये सुना वेयर आर यू लिविंग, हमारे हिंदुस्तान का आदमी घबरा गया। हम तो गांव से आए हैं, हम इतने कहाँ पढ़े लिखे हैं और का हम कहाँ आ जाने आए। तो वो व्यक्ति कहता है बड़ा भोला बड़ा सादा बड़ा सच्चा है, तेरे शहर से तो मेरा गांव अच्छा है, क्योंकि वहां मैं मेरे पिता के नाम से जाना जाता, मगर शहर में खुले बदन पे टैटू छापा जाता। शहर में चीखों की आवाजें दीवारों से टकराती है, मगर गांव में दूसरों की सिसकियां भी सुन ली जाती है। शहर के शोर शराबे में कहीं खो जाता हूँ, मगर अपने गांव में टूटी खटिया पर भी आराम से सो जाता हूँ। जी रानी तो रानी है ही, राजा भी कम नहीं है। नाम बेटा नाम, फलों में आम राजा, जंगल में शेर राजा, कहीं कहीं मन के राजा, कहीं कहीं अंधे में काने राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, और टके शेर भाजी टके शेर खाजा। देखिए पैदा होती तो बिटिया रानी, लेकिन ये पैदा होते हैं तो क्या होता है, क्या बेटा क्या। अरे पैदा हुआ तो बेटा राजा बना भैया राजा, घर में जब नाती पैदा होता है तो सबसे ज्यादा खुशी बाबा को होती है, यानी दादाजी को। और क्या कहते, हमारे बेटे का बेटा जब दौड़ के आता कहता बाबा 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 बाबा। जब हमारे बेटे का बेटा आता कहता बाबा बाबा, तो मन करता बाबा हो जाऊं। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, सुन बच्चे की तोतली भाषा, अब तो शर्म खाओ, चौथापन होने को आ गया, अब तो बाबा हो जाओ। तो बोले मेरा मन तो करता कि बाबा हो जाऊं, लेकिन प्लान कैंसिल हो जाता है, प्लान कैंसिल हो जाता है। क्यों क्यों? जब बेटे का बेटा कहता बाबा बाबा, तो मन करता बाबा हो जाऊं, वहीं आ जाता बेटी का बेटा कहता नाना 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 नाना। अरे पैदा हुआ तो बेटा राजा बना भैया राजा, अरे ब्याह लगा जब होने तो वो बन गया दूल्हे राजा। उसके बाद जैसी भावर पड़ी भैया दीदी, जैसी भावर पड़ी तो राजा पहले तो ठीक थे, मतलब जब इच्छा हुई तब आ रहे, जब इच्छा हुई जा रहे, जब इच्छा हुई खा रहे, जब इच्छा हुई नहा रहे, ये मन के राजा होते हैं। लेकिन जिस दिन इनकी भावर पड़ गई फिर राजा की हालत देखिए। हाँ देखते रहना, ये सच्चाई है भैया जी। ब्याह लगा जब होने तो बन गया दूल्हे राजा, फिर वो बना बोलूगा बैल। जिस दिन से ये चक्कर पड़े उस दिन से चक्कर में पड़ गए। जैसे कोलू का बैल होता है, जाना कहीं नहीं है ना, सफर उसका कुछ नहीं है ना, जाना कहीं नहीं, फिर भी चक्कर पे डला है, चक्कर पे चक्कर, 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 चक्कर 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 पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर। सुकून नहीं है,
है, बस चक्कर पे डले हैं, कैसे कमाए, कैसे घर चलाए, ये करें वो करें, सब लगे पड़े हैं। भैया जी, तो एक लोगों ने हमसे कहा ये बात तो सही है, हमने कहा क्यों क्यों, हमने कहा हालांकि आपको अनुभव ज्यादा होगा, बड़े हैं। तो बोले ये सही है, ने कहा क्या, बोले शादी के पहले कहते थे कि मिलने कब आओगी, शादी के बाद कहते मायके कब जाओगी, शादी के पहले कहते थे कुछ बोलोगी, शादी के बाद कहते अब चुप रहोगी, शादी के पहले कहते हैं आई लव यू, शादी के बाद कहते हैं कल्पना के जीजा करवा चौथ को साड़ी और कंगन भी लाना है। भैया जी, शादी के पहले कहते थे आई लव यू, अब शादी के बाद कहते हैं पंखुड़ी के पापा हाँ आलू लाओ। हमारी दीदी बड़ी प्यारी है। और क्या, बहुत खुश है बेटा, इस लाइन पे बहुत खुश है। क्योंकि भैया जी, जैसे चुनाव में चार चरण होते हैं, चार चरण में इलेक्शन होता है, चार चरण होते हैं ये युगों के, नहीं वैसे चार चरण होते हैं, आपके साथ रहे फिर आठ हो गए हैं, ये युगों के भी चार चरण होते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन के तीन चरण होते हैं। कैसे कैसे बच्चे? दीदी जी सुनिए, वैवाहिक जीवन के तीन चरण हैं। पहला चरण जिसमें पति बोलता है पत्नी सुनती है। जीजा जी कहें जूते कहाँ रखे हैं, अलमारी में, चुपचाप दीदी तुरंत दे देंगे, अरे मेरा पर्स कहाँ है, चुपचाप दीदी तुरंत दे देंगे, यानी पति बोलता है पत्नी चुप रहती है, पहला चरण। ये दूसरा चरण, पत्नी बोलती है पति चुप रहता है, राशन खत्म हो गया है, बच्चों की फीस जमा करनी है, स्कूल में मास्टर साहब आए थे यानी फीस जमा नहीं हुई है, हमारी फेयर एंड लवली भी खत्म होने जा रही है, ये दूसरा चरण है जिसमें पति चुप रहता है पत्नी बोलती है, और तीसरा चरण जब आता है तो पति पत्नी दोनों बोलते हैं और पड़ोसी सुनते हैं। दीदी जी आएंगी अपना चक्र लेकर के, उनको सुनेगा, सभी लोग बाबा का नाम लेंगे, माता का नाम लेंगे, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अरे बोलते चलो, बोलते चलो जयकारा, मान लीजिए का तीसरी आंख है, आप लोग थोड़ा सा मुस्कुराइए, थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा सा प्लीज थोड़ा मुस्कुराइए, क्योंकि आप लोग कैमरे की नजर में हैं। अरे तो वो महाभारत के संजय थे कि हमारे एक भैया ये संजय जी हैं, क्या बात है, वो आंखों का हाल बताते थे, तो ये भी पूरे कार्यक्रम का हाल सभी को सुना देते हैं, लोग आए भले ही ना आए, और क्या केएस म्यूजिक के माध्यम से यूट्यूब चैनल से आप इस कार्यक्रम को सुनेंगे। संजय भैया ढेर सारा धन्यवाद है, सभी लोग आइए, प्रेम से बोलो, सारे बोलो, जय माता दी, मिलके बोलो, जय माता दी, जोर से, जय माता दी, मिलके बोलो।
बोलो जय माता की, आंसू से जय माता की, दीदी बोले जय माता की, भैया बोले जय माता की, आंटी बोले जय माता की, चाचा बोले जय माता की, बोले बोले जय माता की, मम्मी बोले जय माता की, मम्मी बोले जय माता की, मम्मी बोले जय माता की, बोलते चलो बोलते चलो से सुगंधि पुष्टि वर्धिनम् उर्वारुक्म्यो वंदेना मृत्योर्मोक्ष्य मा